नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी ने कांग्रेस से कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है, जिसके बाद हाहाकार मच गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर मौलाना अरशद मदनी ने सोमवार को एक इंटरव्यू में कहा कि कर्नाटक में अल्पसंख्यकों ने कांग्रेस को 95% से 100% वोट दिया है और कांग्रेस भी अपना वादा पूरा करे और बजरंग दल पर बैन लगाए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस अपना वादा पूरा नहीं करती है तो देश के किसी भी सूबे के इलेक्शन में लोग कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भरोसा नहीं करेंगे। मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन का श्रेय भाई बहन यानी कि राहुल और प्रियंका गांधी को जाता है। भाई बहन ने बहुत बहादुरी का काम किया, उनके अलावा कर्नाटक में काम किसने किया है? मनमोहन सिंह मेरी बात सुनते थे, सोनिया गांधी मेरी बातें सुनती थी। और आगे कहा, मैं मुसलमानों के काम के लिए उनके पास बार बार गया, अक्सर मेरे काम हुए, कभी कभी नहीं हुए तो कोई मजबूरी ही होगी। वहीं अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत और कांग्रेस के हमेशा से रिश्ते रहे हैं। मनमोहन सिंह हमारे और कांग्रेस के रिश्तों को जानते हैं, हम हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं, उन्हें बताते रहे हैं कि आपका तरीका क्या होना चाहिए। आज भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी मेरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, मुझे 10 बार बुलाएंगे तो मैं 10 बार जाऊंगा, मुझे कोई अहंकार नहीं है, वो बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगा, उनके नज़रिए से मेरा नज़रिया टकराता है ये अलग बात है। बीजेपी को लेकर मदनी ने कहा कि बीजेपी अपनी पॉलिसी बदले, मुसलमान उसके साथ जाएगा। बीजेपी इलेक्शन में आए और कहे कि हम हिंदू और मुसलमान दोनों के वोट चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत में देश में दंगे हुए, इन दंगों की जिम्मेदार कांग्रेस है। बेंगलुरु, मुरादाबाद, मुंबई, मेरठ में दंगे हुए, इन सब की जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस अगर लचकदार पॉलिसी ने अपनाती तो दंगे ना होते। कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर अरशद मदनी ने कहा कि UCC मुसलमानों की आज़ादी छीनता है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनते ही। अब दोस्तों यहाँ एक नया मुद्दा शुरू हो गया। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी ने कांग्रेस से कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है, क्योंकि जब दोस्तों चुनाव प्रचार हो रहा था तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही थी और तभी दोस्तों यहाँ पर 95% से 100% दोस्तों मुस्लिमों ने कांग्रेस को वोट दिया और अब कांग्रेस को वादा भी ये पूरा करना पड़ेगा। देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन पूरे देश में हाहाकार मच रहा है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है।